दस ऐसे WWE सुपरस्टार्स जिनको विंस मैकमैन कभी रिलीज कर ही नहीं सकते, कौन है जानेंगे आज इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्ते WWE के सुपरस्टार्स के लिए उतने अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया गया था और डेफिनेटली हमें उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है कि इस सिचुएशन में उनको उनकी जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन WWE के मेन रोस्टर में कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि जब तक विंस मैकमैन इस कंपनी को रूल कर रहे हैं वो इस कंपनी से कहीं भी जाने वाले हैं। तो ऐसे 10 नामों की हम बात करेंगे और सबसे पहले जो लिस्ट में नाम आता है वो है अलेक्सा ब्लिस का। अलेक्सा ब्लिस एक ऐसी सुपरस्टार हैं जिन्होंने प्रोबेबली अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अचीव कर लिया है WWE के अंदर, क्योंकि जब साल 2016 के ड्राफ्ट में वो आई थी मेन रोस्टर में तो उनसे कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और स्मैकडाउन के रोस्टर की वो पार्ट थी जहां पे विमेंस डिवीजन में कुछ खास सुपरस्टार्स उस समय पर थी नहीं। और अपने अराइवल के सिर्फ 4 महीने बाद ही उन्होंने बेकी लिंच को हरा के अपना पहला टाइटल जीत लिया था। उसके अलावा हम जानते हैं कि वो सबसे पहली ऐसी फीमेल सुपरस्टार हैं जो कि स्मैकडाउन चैंपियनशिप जीती हैं और रॉ चैंपियनशिप जीती हैं, और अब वो टैग टीम टाइटल्स के साथ भी जो है अपनी दूसरी रेन में है करंटली। तो बहुत सारे लोग इस चीज को आर्ग्यू करते हैं कि अलेक्सा ब्लिस का इन रिंग टैलेंट अच्छा नहीं है, और उस चीज से मैं बहुत ज्यादा डिसएग्री नहीं करने वाला, लेकिन WWE की नजरों में अलेक्सा ब्लिस उनकी विमेंस डिवीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल है और प्रोबेबली 4 हॉर्स वुमेन के बाद 5वें नंबर पर अलेक्सा ब्लिस का नंबर आता है। और डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि विंस मैकमैन की नजरों में अलेक्सा ब्लिस एक टॉप सुपरस्टार है और इसी वजह से जो है उनको इतनी टाइटल रेंज दी जाती है। नंबर 9 की हम बात करें गाइस तो ये थोड़ा डिफरेंट है और ये है टाइटस ओनील का। अब इन रिंग टैलेंट की मैं यहां पे बात करूं तो डेफिनेटली टाइटस ओनील उनमें से एक सुपरस्टार आराम से हो सकते थे जिनको WWE रिलीज करती, क्योंकि वो बेयरली हमें कभी भी टीवी पर देखने को मिलते नहीं है। जब भी देखने को मिलते हैं वो 24/7 चैंपियनशिप के पीछे भाग रहे होते हैं और ऑब्वियसली वो उनकी चीज नहीं है जिसके लिए WWE के फैंस उनको पसंद करते हैं। अब हम जानते हैं कि WWE में एज अ सुपरस्टार सिर्फ इन रिंग परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि और सारी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि ब्रांड एंबेसडर्स और ऐसे सुपरस्टार्स जो कि आराम से फैंस के साथ इंटरेक्ट कर सकें और कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकें अराउंड द ग्लोब। और टाइटस ओनील ने काम WWE के लिए बहुत कमाल तरीके से करा है। अब हम जानते हैं जो इस चीज का पायोनियर है, यानी कि इस चीज में जो सबसे ऊपर है वो है जॉन सीना, जिन्होंने अपने WWE करियर में ऐसे बहुत काम करे हैं। डेफिनेटली जो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है मेक अ विश में सबसे ज्यादा विशेष ग्रांट करने वाले सुपरस्टार बनना, और यही चीज जो है अब बेसिकली टाइटस ओनील कर रहे हैं। अब उनको इस चीज के लिए बहुत रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, लेकिन बैक स्टेज जो है WWE में टाइटस ओनील का रोल काफी ज्यादा वैल्यूएबल है और WWE डेफिनेटली उनको एक ऐसे सुपरस्टार की तरह देखती है जो कि अगर रिंग में उतना अच्छा नहीं है या फिर एज अ सुपरस्टार एज अ रेसलर उतना पुश नहीं करा जा सकता, उनकी कंपनी के लिए एक बढ़िया एंबेसडर बन सकता है और ये चीज जो है उनको एक सिक्योर बनाती है वहां पे एसेट, और इसकी वजह से वो मुझे लगता है कभी भी नहीं होंगे रिलीज। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस एक ऑब्वियस नाम की जो कि इस लिस्ट में आता है और वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। अब अगर मैं आपको बताऊं पूरी मैथ्स कर तो WWE ने जितने भी सारे सुपरस्टार्स को रिलीज करा उनकी सबकी सैलरीज मिला के भी जितनी WWE कॉस्ट बचा रही है उससे ज्यादा ब्रॉक लेसनर की सैलरी है। तो अगर ब्रॉक लेसनर को WWE इतने ज्यादा पैसे दे रही है तो उसके पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजन है। और हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइमर है, उनको इतनी सारी टाइटल रेंज नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर WWE को ब्रॉक लेसनर के ऊपर इतना रिटर्न नहीं मिल रहा होता तो वो उनको इतने पैसे देते भी नहीं। तो ये बात क्लियर है कि ब्रॉक लेसनर को जितने पैसे दिए जा रहे हैं उसके रिटर्न में WWE को वो रिजल्ट मिल रहा है जो कि वो ब्रॉक लेसनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा मुझे तो कभी भी नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर अब WWE से जाने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर तभी जा सकते हैं WWE से जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, लेकिन रिलीज की बात तो दूर दूर तक ब्रॉक लेसनर से जुड़ी नहीं है, और उल्टा WWE को यहाँ पे डरना चाहिए कि वो अपना रिलेशनशिप ब्रॉक लेसनर के साथ खराब ना कर दें जिसकी वजह से वो कंपनी छोड़कर जाने की कोई बात सोचे भी। तो इस समय पर ब्रॉक लेसनर मैं कहना चाहूंगा सबसे बढ़िया डील के साथ इस कंपनी में बैठे हुए हैं और अपनी सबसे सेफ पोजीशन पर हैं। लिस्ट में अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस तो वो है डैनियल ब्रायन का, एक ऐसा सुपरस्टार जो कि कंपनी में 10 सालों से है, बहुत सारे अलग अलग टाइटल्स जीता हुआ है और एक ऐसा सुपरस्टार जिसको हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन रिंग परफॉर्मर्स भी कह सकते हैं इस जनरेशन का विदाउट अ डाउट। और हम जानते हैं कि डैनियल ब्रायन के लिए बिल्कुल आसान नहीं था जब उनको रेसलिंग से रिटायर होना पड़ा था, क्योंकि उनके लिए वो बहुत बड़ा पैशन था। वो जब वापस आए तो केवल 7 महीने लगे उनको एक बार फिर से WWE चैंपियन बनने में, और यहां पे गाइस हमें क्लियर ये बात जान चुके हैं अभी तक कि WWE में बैक स्टेज बहुत कम ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके पास क्रिएटिव कंट्रोल होता है या फिर कुछ पावर होती है चीजें बदलने की,
और डैनियल ब्रायन उनमें से एक सुपरस्टार है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डैनियल ब्रायन ही वो इंसान थे जिन्होंने कोफी किंगस्टन के पुश के लिए विंस मैकमैन से बात करी थी, और वही वो इंसान है जिन्होंने विंस मैकमैन से बोला है कि मुझे ड्रू गुलाक के साथ पेयर करो, और तभी हमें वो देखने को मिल रहे हैं। तो डैनियल ब्रायन का जबकि कॉन्ट्रैक्ट इस समर में खत्म हो रहा है और अभी तक उन्होंने कंपनी के साथ रीसाइन नहीं कराया, मुझे लगता है एट द एंड डैनियल ब्रायन जो है अपना स्टे कंटिन्यू करेंगे WWE के अंदर, क्योंकि वो इतनी सारी अलग अलग चीजें ऑफर करते हैं इन द रिंग एंड आउटसाइड द रिंग कि WWE उनको इतनी आसानी से जाने दे ही नहीं सकती है, और मेरे हिसाब से वो रहने वाले हैं कंपनी में। नेक्स्ट नेम की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है द फिनोमिनल AJ स्टाइल्स का, एक और ऐसा सुपरस्टार जिसने प्रोबेबली कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल तक WWE में पहुंचूंगा, क्योंकि साल 2016 में जब AJ स्टाइल्स ने साइन करा था WWE के साथ तो उन्होंने ये बात बोली थी कि वो बस एक मिड कार्ड सुपरस्टार रहने वाले हैं इस कंपनी के अंदर, और वो अपने रेसलिंग करियर के आखिरी कुछ सालों में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं जिससे पहले कि वो रिटायर हों। लेकिन विंस मैकमैन ने कुछ महीनों में ये बात रियलाइज कर ली थी कि उनके हाथों में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम है, और इसी वजह से उनको 2 महीने के बाद ही वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में डाल दिया गया था और AJ स्टाइल्स WWE चैंपियन बन गए थे कुछ ही समय में। और उसके बाद जो उनका मेन वैल्यूएबल रन था WWE के अंदर वो था साल 2017 से 19 में, जब वो फेस ऑफ स्मैकडाउन लाइव थे गाइस, जहां पे वो बोलते थे आई एम द वन हु रन्स दिस प्लेस, और उस चीज ने स्मैकडाउन को सिंगल हैंडेडली वॉचेबल बनाया था, क्योंकि उस समय पे स्मैकडाउन इतना बेकार शो था, लेकिन AJ स्टाइल्स के चैंपियन होने की वजह से और जिस तरीके से उनका इंपैक्ट पड़ा था उस शो पे, उसकी वजह से स्मैकडाउन बिकेम अ मस्ट वॉच। और मैं कह सकता हूं कि WWE के पास एक ऐसा सुपरस्टार है AJ स्टाइल्स जो कि कहीं नहीं जाने वाला है, और वो अपने रिमेंडर ऑफ द ईयर्स जो है अपने रेसलिंग करियर के वो WWE के साथ ही करेंगे और जो है इसी कंपनी में रिटायर हो जाएंगे, और शायद क्या पता कि AJ स्टाइल्स को भी कभी WWE हॉल ऑफ फेम में जाने का मौका मिले। अगले नंबर की हम बात करते हैं गाइस, तो वो है ब्रे वायत। अब एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि अपने WWE करियर में बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस में रहा है, सबसे पहले NXT के अंदर हस्की हैरिस, उसके बाद वायत फैमिली में ईटर ऑफ द वर्ल्ड्स, और फाइनली द फीन ब्रे वायत जिसकी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है। अब ब्रे वायत जो है वो अपने इन रिंग टैलेंट के लिए उतना नहीं माना जाते, लेकिन हम जानते हैं कि प्रो रेसलिंग में इन रिंग टैलेंट के अलावा होता है एक स्टोरी लाइन, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो फैंस उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ब्रे वायत ने इस चीज को नेल करा है जब से वो मेन रोस्टर पर आए हैं। वायत फैमिली की इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज थी जो कि WWE फैंस ने बहुत समय से देखा नहीं था ऐसा कुछ टीवी पर, और वो चीज बहुत ज्यादा काम आई थी। और उसके बाद अब जो उन्होंने फीन वाला रन करा है वो हम जानते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जिस पे दुनिया पागल हो गई थी, और ऐसे लोग सोच रहे थे कि यार ये क्या कमाल कर रही है, प्रॉब्ली पूरी प्रो रेसलिंग के अंदर सबसे ज्यादा बात करने वाली चीज बन गए थे ब्रे वायत। और अब एक बार फिर से गाइस उनको जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप फ्यूड में डाल दिया गया है, तो सबसे पहले तो वो एक थर्ड जनरेशन सुपरस्टार है जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन ऑलरेडी सेव कर चुके हैं WWE के अंदर, जबकि उनके फादर माइक रोटुंडा को WWE ने रिसेंटली रिलीज करा है। लेकिन गाइस यहां पे ब्रे वायत अपनी बहुत सेफ पोजीशन में WWE में, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनको रिलीज करना चाहेगा। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो ये आता है द करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच का। अब 2018 से पहले बेकी लिंच कुछ खास कर नहीं रही थी मेन रोस्टर पर, और बहुत सारे लोग कहते थे कि इनको बहुत अंडर यूटिलाइज करा जा रहा है, WWE इनका अच्छे से यूज नहीं कर रही है। लेकिन जब फाइनली बेकी लिंच की मूवमेंट आई WWE के अंदर तो वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि फैंस देख के हैरान हो गए कि विमेन्स रोस्टर में भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि बेकी लिंच का कैरेक्टर बहुत ज्यादा सूट करा फैंस को, और इसकी वजह से वो वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स बन गई थी। और हम जानते हैं कि शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी के आने से और इस मिक्सचर की वजह से विमेन्स डिवीजन एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी थी जो पहले कभी नहीं देखी थी WWE की इस जनरेशन में हमने। और रेसलमेनिया 35 का मेन इवेंट जबकि उतना अच्छा नहीं था, ये विमेन की तरफ से एक हिस्ट्री थी कि पहली बार एक विमेन्स मैच ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट करा, और बेकी लिंच वहां पर गाइस दोनों ही स्मैकडाउन और रॉ विमेन्स चैंपियनशिप जीती हैं, और तब से लेके अब तक वो रॉ विमेन्स चैंपियन बनी हुई है। तो WWE की नजरों में आने वाले समय में मुझे लगता है बेकी लिंच इज ऑब्वियसली एन हॉल ऑफ फेमर और एक ऐसी सुपरस्टार जिसको वो कहीं नहीं जाने दे सकते, और इस वजह से मुझे लगता है कि उनको कभी रिलीज नहीं करा जा सकता। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस लिस्ट में, तो वो है द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस का, जो कि प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट हेविली पुश सुपरस्टार्स हैं लास्ट 5 years में इन WWE। उनकी 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन में से जबकि 3 बहुत छोटी थी, लेकिन तब भी WWE के बहुत इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं। सेथ रॉलिंस एक ऐसा सुपरस्टार जिसने साल 2012 से 2015 तक एक भी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड मिस नहीं करा, और जब फाइनली उन्होंने रॉ का एपिसोड मिस करा था तो वो उनकी एक बहुत बड़ी इंजरी की वजह से था। तो इससे क्लियरली पता लगता है कि हमेशा से ही सेथ रॉलिंस ने WWE के लिए पूरी डेडिकेशन दी है, और वो अपनी कंपनी को नंबर 1 मानते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे बहुत बार वो कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो कि फैंस बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो सेथ रॉलिंस का बेबी फेस रन जो था वो बहुत कमाल का रहा था मंडे नाइट रॉ में, और उसके बाद
बिल्कुल उनका वैसा इंपैक्ट रहा था रॉ के ऊपर जो कि एजे स्टाइल्स का था ऑन स्मैकडाउन, यानी कि सिर्फ उनकी वजह से जो है लोग मंडे नाइट रॉ देखने लग गए थे। और अगर अभी हम करंटली स्टेटस देखें सेथ रॉलिंस का, तो मुझे लगता है बहुत ही वेल ऑफ है और हर टॉप अथॉरिटी की नज़र में सेथ रॉलिंस इज द टॉप सुपरस्टार, और कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सेथ रॉलिंस पे वो रिलाय कर सकते हैं, उनको चैंपियन बना सकते हैं, और उनको पता है कि ये बंदा इस चीज़ को आराम से हैंडल कर देगा। तो ये एक ऐसी यूनिक चीज है जो कि सेथ रॉलिंस ऑफर करते हैं और WWE इसको कभी भी हाथों से नहीं जाने देगी। सेकंड लास्ट नाम की हम बात करते हैं इस लिस्ट में गाइस, तो वो है शार्लेट फ्लेयर का। और मुझे लगता है आप लोग इस चीज से डेफिनेटली एग्री करेंगे कि शार्लेट इज द मोस्ट पुश्ड फीमेल सुपरस्टार इन WWE हिस्ट्री, क्योंकि अब वो नंबर वन सुपरस्टार बन चुके हैं जो सबसे ज्यादा बार वुमेन्स चैंपियनशिप जीती है WWE के अंदर, और ये चीज उनको गाइस बहुत ज्यादा टॉप पे लेकर आ चुकी है। और बेकी लिंच और रोंडा राउजी से हम उनको कंपेयर डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जब हम हिस्ट्री वापस जाके देखेंगे कुछ सालों बाद तो शार्लेट फ्लेयर ही नंबर वन पर आएंगी। और अगर हम द ग्रेटेस्ट की बात करें तो इन रिंग में प्रॉबली शार्लेट फ्लेयर नंबर वन ना हो, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड्स देखेंगे तो शार्लेट फ्लेयर डेफिनेटली नंबर वन है, और जो आने वाला समय है वो उनके लिए और बेटर ही होने वाला है। और ऊपर से एक और बात यह है कि वो फ्लेयर फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन WWE में हमेशा से ही काफी स्ट्रांग और सेफ रही है। और रिलीज करने की अगर मैं बात करूं तो विंस मैकमैन प्रॉबली ये अपनी ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर उनके लिए सबसे बड़ा एसेट है। और गाइस फिर जो फाइनल नाम आता है लिस्ट में वो है द बिग डॉग रोमन रेंस का, who is without a doubt the most pushed superstar in WWE in the last decade probably, लेकिन वो एक ऐसी चीज थी जो कि विंस मैकमैन चाहते थे करना कि उनको जॉन सीना का रिप्लेसमेंट बनाना है मेन रोस्टर पे, द बिगेस्ट फेस इन द एंटायर कंपनी। वो चीज जबकि नहीं हो पाई और विंस मैकमैन पे कर गई बैकफायर और लोग उनको अरीना के अंदर बहुत ज्यादा बू करने लग गए थे, पर तब भी हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि अभी भी मिलियंस और मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कि रोमन रेंस को अराउंड द वर्ल्ड देखना पसंद करते हैं। और डेफिनेटली जिन लोगों ने WWE 2015 या उसके बात देखनी शुरू करी है तो प्रॉबेबली उन्होंने रोमन रेंस से बड़ा कोई सुपरस्टार कभी देखा नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा सुपरस्टार उस समय पे कुछ रहा ही नहीं है। तो रोमन रेंस का जो सिचुएशन है गाइस वो ये है कि उनके 2 से 5 साल बचे हैं अब WWE करियर के उनके अकॉर्डिंग, जो कि उन्होंने रिसेंटली रिवील करा था, और उस समय में WWE डेफिनेटली बेस्ट टू बेस्ट रोमन रेंस को यूटिलाइज करने की कोशिश करेगी, और वो WWE के लिए एक ऐसा सुप्रीम एसेट बन चुके हैं जो कि नंबर वन पे रहेंगे जब तक WWE के अंदर वो हैं। और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले सालों में WWE उनका कैसे यूज करती है। तो गाइस ये थे 10 सुपरस्टार्स जिनको विंस मैकमैन अपने सपने में भी रिलीज नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, और अगर आपको लगता है मैंने कोई नाम मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।